तो एपिसोड शुरू होता है मुट्ठी पंच अमित जी पंच पंच से। लेकिन आज गुरु ही चेले को क्यों मार रहा है? मतलब दोस्ती में दरार, दुश्मनी। ओ माय गॉड, गुरु के बीच में ओ माय गॉड। अरे भाई एक्सप्रेशन दे रहा है। पर धूल मिट्टी हटती हमने देखा, ये तो बच गया साला। मतलब सैतामा तो इसे बस डरा रहा था। तो यानू डराउंदे ही रहेंदे यानू। पर ये दोनों यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम में पीछे। चल 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 चल। हाँ जी, तो सुबह सुबह ये काले कोट वाले कर रहे हैं सुपर हीरोज की भर्ती। और तो और, इनका कहना है कि इस बार 22% ज्यादा लोग गए हैं पिछली बार से। ये तुम्हें कैसे पता? मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और अब शायद वो सही भी है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर एक बार जोड़ने घटाने गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। क्या 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 क्या? बेवकूफ लड़की, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने चौड़ा घटाया गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला, और वो शायद सही भी था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार जोड़ने घटाने गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ बाहर हीरोज बनने के लिए लोगों की भीड़ लग चुकी है, जिसमें कुछ मोटे, पतले, नीले, डेड डेविल ग्रीन एडिशन, सभी तरह के लोग आए हैं। पर अंदर बैठे इनके बॉस का कहना है, इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद आजकल कोई स्वाद का हीरो मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन इनका तो इंटरेस्ट है अपने जीनोस में, क्योंकि इस बार वो भी एडिशन देने आए हैं और इन्होंने लास्ट एपिसोड में उसका बिल्डिंग वाला कार्ड भी देखा है। तो इस पे खास नजर रखो, ये सिलेक्ट होना मांगता है मेरे को, और तू शेव करके आ, तू भी कैप्टन अमेरिका। इधर हम देखते हैं कि अपना सैतामा भी ऑडिशन देने आया है, पर पास खड़े ये कैप्टन पेरिस और उसके साथ ही सैतामा का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ये सुन के सैतामा को आ जाता है गुस्सा। लेकिन तभी एग्जामिनर कहता है, चलो चलो साइड टू साइड जंप करो फॉर 30 सेकंड। और सैतामा इतनी फास्ट मूव करता है कि आसपास के लोग भी लाइक, और इसकी स्पीड देख के इनकी। ऐसे ही सैतामा सारे टेस्ट पास कर जाता है, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, हाई जंप। ये देख के कैप्टन पेरिस तो यहाँ से कट लेता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। Few moments later. तो सैतामा अपने रिजल्ट की वेट कर रहा होता है जहाँ पे मून नाइट और पनिशर भी खड़े। अरे कहाँ भाई, बस नाम बड़े हैं, सालों ने एक बंदे की पेमेंट करके 3 रोल करवाए, इसीलिए इधर एडिशन देने आया हूँ। तुम बता तू कैसे? अरे मेरा तो पूछ मत, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली कि चलो अपना शो देखते हैं, सालों ने काट के डिजनी पर डाल दिया। मेरा तो 450 का नुकसान हो गया यार। और नहीं तो क्या यार, जब वो नेटफ्लिक्स की इंट्रो आके सीधा माथे पे बजती थी मजा आता था, लगता था कुछ धमाकेदार आने वाला है। इधर तो साला जब महल में से लैड सी निकलती है, लगता है अभी कोई यहाँ पे मुजरा कर देगा। खैर छोड़ो हमें क्या। इधर जीनोस अपना रिजल्ट देखता है और 100 में से 100 नंबर लेकर इसकी सिलेक्शन हो गई। कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी? सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई। और सैतामा भी अपना रिजल्ट देखता है और इसे मिलते हैं 100 में से 71 नंबर। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। पर फिर जीनो सैतामा से कहता है, सेंसाई जरूर कोई गलती हुई होगी, क्या इन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू? मेरा तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। फ्लैशबैक। ई देखो, कल किसी ने ई हाउस ऑफ इवोल्यूशन की इमारत को तबाह कर दिया। Are you responsible for this? हाँ। कैसे? हाँ? कैसे? कैसे? आग लगा दी, आग लगा दी। मेरे हिसाब से 100% मुंबई। End of flashback. इतने में इधर एक अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट साय और तामा और जेनोस के लिए है। आज शाम 4 बजे आप तीनों का सेमिनार होगा, जहां हमारे रैंक एस के सीनियर आपसे मन की बात करेंगे। कट्टू, इधर हमें दिखता है इन सबके बॉस का बॉस। ये कौन से नए भाई हैं? मेरे और उदय भाई के भी बड़े भाई, गॉडफादर। जिसे ये कोर्ट वाले बता रहे हैं, सर हमें वो साइबोर्ग मिल गया है और हमने उसे एस रैंक का हीरो बना दिया है। ओके। दूसरी तरफ इधर सैतामा और जीनोस अपना सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जिधर ये क्लास एस का हीरो अपने रैंक की चौकियां मार रहा है। तुम में से एक अपने लक की वजह से सिलेक्ट हुआ है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा रैंक अप कर सकता हूं और डाउन भी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और सैतामा और जैनस वहां से चल देते हैं। तो रास्ते में जैनस सैतामा को बताता है, सेंसेई इसमें लिखा है कि आज से कुछ साल पहले एक मिलेनियर था, यही अपने अंबानी टाइप, उस मिलेनियर के पोते पे किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था,
और पास ही खड़े आदमी ने उस बच्चे को बचा लिया। देख रहे हो, बच्चे को बचा लिया। इसी से उस मिलियनर अगोनी को हीरो एसोसिएशन बनाने का आइडिया आया। फिर जीनो सैतामा से कहता है, अब तो हम हीरोज हैं, अब तो आप मुझे अपना ऑफिशियल चेला बना लो। okay. लेकिन एक सेकंड, ये मिलियनर का थोबड़ा किधर सुनने लगता है? ये अजीब सी ठुड्डी, इसका मतलब वो एपिसोड 1 का अजीब सी ठुड्डी वाला बच्चा अगोनी का पोता था, जिसपे एक मॉन्स्टर ने अटैक किया, यानी कि केकड़ा सुर ने, और जिस अजनबी ने उसको बचाया था वो था अपना सैतामा। बट इसके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ रिवील किया है। ये मेरे दिमाग की उपज है। नाइस। इधर ये S5 रैंक का कल्पा हुआ हीरो इस बंदे से बात कर रहा है। अबे हम दोनों को निकालो, मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के घोड़े लगवा देंगे। क्या घोड़े? क्या दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? नो, जीनोस ने 100 में से 100 नंबर लेकर टेस्ट पास किया है। और वो गंजा, उसने तो फिजिकल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब कि एक तुमसे आगे है और दूसरा निकलने वाला है, बच के रहियो। ये सुन के ये अपना भुना हुआ पिछवाड़ा लेके सैतामा से लड़ने चला जाता है। और आते ही इसने सैतामा के एक भाई, इसने तो चिपका दिया। बस फिर सैतामा ने भी इसे कूट दिए, कूट दिए। कुछ दिन बाद फिर जीनोस को एक SMS आता है। मैं व्हाट्सएप के ऑफिस से बोल रहा हूँ, मेन हेड ऑफिस से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। चल बस। सेंसेई, इसमें लिखा है कि हमारी हीरो रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैं क्लास S का हीरो और आप क्लास C के। फिर दोनों फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसमें जीनोस कहता है, उस्ताद जी अपना पूरा दम लगा दियो ताजो मैं भी अपना पूरा दम लगा सकूं। Okay. बस फिर जीनोस होता है रेडी। स्टेप 1, स्पीड से किक करो, पर सैतामा ने किया डॉच। स्टेप 2, पीछे से किक करो, सैतामा डॉच। स्टेप 3, ऊपर से किक करो, सैतामा डॉच। लेजर अटैक डॉच, पता नहीं कौन सा पर काफी बड़ा अटैक डॉच। इससे पहले कि जीनोस अपना अगला अटैक करता, सैतामा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये स्टेप्स टूप तो डांस में होते हैं, फाइटिंग में तो अरे पंच अमित जी, पंच पंच होते हैं। और हाँ, यहीं से हमने एपिसोड शुरू किया था। आगे फिर ये दोनों किसी ढाबे में बैठे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ अमाय मास्क आ जाता है, गॉडफादर। हाँ वही, और कहता है, मैं अमाय मास्क हूँ, क्लास A रैंक 1 का हीरो। ये सुन के आसपास के लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर ये जीनोस के साथ कुछ बातें करके टीम में उसका वेलकम करके चला जाता है। इसके बाद कुछ कुड़ियां जीनोस से हाथ मिलाने आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको लगा कि ये रैंक A के हीरो का दोस्त है। और ये देख के सैतामा भी लाइक, चलो कोई बात नहीं यारो, आंदियां हिरैनियां कुड़ियां ते बसा। ये किसने कहा? शेरी पाजी ने, भूखो ने। आगे फिर अमाय और जीनोस की बातचीत का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें अमाय जीनोस से पूछता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा था? बकवास था, हमें टाइम पर बात पहन, अगर तू लड़ने आया तो आना। ओ नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा टीम में वेलकम करने आया हूँ, नाउ बाय। फिर सैतामा और जीनोस दोनों अपने अपने घर को निकल जाते हैं और एपिसोड खत्म। लेकिन इस एपिसोड में भी बाकी एपिसोड्स की तरह पोस्ट क्रेडिट सीन है। सेंसेई, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? नहीं, मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। और ये किराया साथ ही लाया था, तो डील डन। ओके, तो ये था अपना एपिसोड 5। अगर वीडियो अच्छी लगी, दबाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।